तो गाइज आपको SBI के ATM में आ जाना है। ATM पिन बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका ATM कार्ड और आपका अकाउंट नंबर लेके आना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम ATM में आ गए हैं और आपको पिन बनाने के लिए बता रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना जो है ATM कार्ड को ऐसे पकड़ लेना है जो कि चिप अंदर की तरह हो, उसके बाद यहाँ पर कार्ड को डाल देना है, ठीक है। तो गाइज जैसे ही चिप डालेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपको ऐसे आपको लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे नीचे देख सकते हैं पिन जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो नया पिन आपको बनाना है तो यहाँ पे टच कर देना है, नहीं तो बटन सिस्टम है तो बटन से क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है जो आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है। गाइज अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेसफुल होने तक आपको वेट करना है। प्लीज वेट व्हाइल योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं योर पिन जनरेशन इज सक्सेसफुल। आपको अपने मोबाइल नंबर पे OTP चला गया होगा, ठीक है। तो आपको कार्ड निकाल लेना है फिर से। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया है जो कि वर्ड में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आएगा OTP। इसी OTP के थ्रू अपना पिन जनरेशन करेंगे। तो फिर से क्या करना है कि आपको अपना कार्ड लगाना है, वैसे ही कार्ड को आपको लगाना है जो कि चिप अंदर की तरह हो। तो यहाँ पे हमने कार्ड लगा दिया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा, तो यहाँ वेट करना होगा। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि बैंकिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश हिंदी जो भी हो, ठीक है। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ से 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी 2 डिजिट का नंबर डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही यस करेंगे तो देखिए जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है 4 डिजिट का वही डालना है आपको, ठीक है। तो वो 4 डिजिट का डाल देना है, 6 वो डालेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे इसका इंटरफेस ऐसे आ गया। अब आपको पिन अपना चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिन चेंज वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे आपको अपना न्यू पिन आपके हिसाब से जनरेट कर लेना है 4 डिजिट का, इसको फ्यूचर में याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पिन नंबर अपना डाल लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दे रहा है प्लीज री इंटर योर पिन, तो फिर यहाँ पे आपको री इंटर कर लेना है पिन को। उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फिर वेट करना है। प्लीज वेट व्हाइल योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपका पिन चेंज सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आप अगर चाहें तो आप इस पिन को मतलब बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करके फिर से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका पिन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर वैसे ही कार्ड निकाल लेना है, और फिर कार्ड निकालने के बाद देखिए यहाँ पे फिर कार्ड लगाना है और अपना पिन को चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। तो वैसे ही देख सकते हैं फिर वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग पे सिलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पे, उसके बाद अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है आपको, फिर यहाँ से कोई 2 डिजिट का नंबर डाल के यस कर देना है। प्लीज एंटर योर पिन। उसके बाद आपको अपना जो है ना पिन डाल देना है जो आपने पिन बनाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे कैश निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम मिनी स्टेटमेंट निकाल के यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट आपको निकलेगा, ठीक है। तो अगर निकल जाएगा या बैलेंस इंक्वायरी हो जाए या कैश निकल जाए, समझेंगे कि आपका पिन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट मेरा निकल गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप भी अपना पिन बना सकते हैं।